हेलो गाइस, योगा आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो जलोधर, अचीर्ण रक्त, अतिसार, पंडुआ, कमला, वगंदर, अंडकोश की सूजन, मूत्रघात, हैजा और बवासीर जैसी समस्याओं में हम इस आग के मदार का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, तो आज की जो वीडियो है वो पार्ट 3 के रूप में है। तो जलोधर होने पर आप इस आग के पत्तों का रस 1 किलो ले लें और उसमें करीब 20 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर मंद अग्नि पर आप इसको पकाएं। जब ये गोली बनाने लायक हो जाए तो इसको नीचे उतारकर चने जैसी गोलियां बना लें और दो दो गोलियां सुबह शाम आप सौंफ, कासनी आदि अर्क के साथ आप लेते हैं तो आपको जलोधर बीमारी में काफ़ी लाभ होता है। जल के स्थान पर अर्क पिलाना चाहिए। जल बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर देना चाहिए। इस बीमारी में पेट में पानी पहले से ही जमा हो जाता है, इसलिए इसको जलोधर के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में पानी का पीना या तरल पदार्थ का ज़्यादा पीना निषेध होता है। इसका प्रयोग हम दूसरे प्रकार भी कर सकते हैं। आग के ताज़े पत्ते करीब 250 ग्राम और हल्दी 20 ग्राम दोनों को महीन पीस कर उड़द के आकार की गोलियां बना लें। पहले दिन ताजे जल के साथ 4 गोलियां, फिर दूसरे दिन 5 गोलियां और तीसरे दिन 6 गोलियां आप ऐसे बढ़ाते जाएं और फिर छठे दिन के बाद इसको कम करते जाएं। और ऐसे ही आप इसको जब तक बीमारी समाप्त नहीं होती है आप इसी क्रम को पुनः दोहराते जाएं। पथ्य और अपथ्य का आप ध्यान रखें। आग के 8 से 10 पत्ते सेंधा नमक के साथ कूटकर मिट्टी के बर्तन में बंद कर आप जलाकर इसमें 250 मिलीग्राम भस्म को सुबह, दोपहर, शाम छांछ के साथ सेवन करने से जलोधर मिट जाता है। तिल्ली आदि अंग जो पेट में बढ़ जाए तब इस के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं। रक्त अतिसार में आप इसकी जड़ की छाल को छाया में सुखा लें और महीन पीस कर कपट छान करके रख लें और आवश्यकता पड़ने पर आप 250 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक आप ठंडे जल के साथ लेते हैं तो आपके अतिसार या रक्त अतिसार में काफ़ी लाभ होता है। कमला या पंडुआ रोग होने पर आप इसके 24 पत्तों को लेकर 50 ग्राम मिश्री मिलाकर खरल में घोटकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें और इसकी चने बराबर गोलियां बना लें। दो दो गोलियां आप इनका सुबह, दोपहर और शाम 7 दिन तक सेवन करते हैं तो आपका पूर्ण लाभ हो जाता है। तेल, खटाई, मिर्च आदि का परहेज रखते हैं। आग की कोपल 1 नग जो बिल्कुल छोटी होती है, नई कोपल, सुबह निहार मुँह पान में रखकर आप चबाकर इसको खा लेते हैं 3 से 5 दिन तो आपकी कमला ठीक हो जाती है। भगंदर या व्रण होने पर आप आग का 10 मिलीग्राम दूध और दारू हल्दी का 2 ग्राम महीन चूर्ण दोनों को एक साथ खरल करके बत्ती बना लें और व्रण या जख्म पर आप लगाते हैं तो शीघ्रता से लाभ होता है। अंडकोश की सूजन होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 10 ग्राम आँख की छाया में सूखी हुई छाल करंजी के साथ पीसकर आप लेप करते हैं तो आपकी अंडकोश की सूजन उतर जाती है। मूत्रघात, पेशाब का रुक जाना, ऐसी समस्या होने पर आप इसके दूध में बबूल की छाल का थोड़ा सा रस मिलाकर नाभि के आसपास रखते हैं या पेड़ों पर लेप कर देते हैं तो आपकी मूत्रघात या पेशाब का रुकना दूर हो जाता है। हैजा एक खतरनाक बीमारी है, इसमें पलटी, दस्त होते हैं तो इसके बचाव के लिए आप इसकी जड़ की छाल को छाया में सुखा लें और इसकी छाल निकाल लें। इसकी छाल 2 भाग और काली मिर्च 1 भाग दोनों को कूट पीस कर छान कर आप अदरक के रस में या प्याज के रस में खरल करके आप चने जैसी गोलियां बना लें और हैजे के दिनों में इसका सेवन करें। हैजा से ये बचाव होता है। हैजा का आक्रमण होने पर 1-1 गोलियां 2-2 घंटे में देते रहें, इससे विशेष लाभ होता है। बवासीर होने पर आप आँख के कोमल पत्तों को तोड़ लें और इसके बराबर आप 5 नमक ले लें और इसके वजन के 1/4 आप तिल का तेल ले लें और इतनी ही मात्रा में आप नींबू का रस मिला लें
और इन सब को एक घड़े के बर्तन में बंद कर कर ऊपर से मिट्टी लगा दें और उसको कपड़े से रख के और मिट्टी से बंद करके आप आग पर चढ़ा दें। धीरे धीरे आँच पर इसको जलाएं। जब ये जलते जलते राख हो जाए तब आप इसको निकाल लें और इसकी 500 मिलीग्राम भस्म को आप गर्म जल, कांजी या छांछ के साथ सेवन करते हैं तो आपकी बादी बवासीर में विशेष लाभ होता है। तो ये कुछ आग के आज फायदे बताने का प्रयत्न किया। ये आग बहुत ही चमत्कारी पौधा है, इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है। तो इसके फायदे हम कुछ आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम कल फिर इसके कुछ औषधीय गुणों को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।